ये देखिए गंगा जी का रौद्र रूप। देखिए गंगा जी और आकाश इतना दूर तक फैला हुआ है ना, पता नहीं चल रहा है, दोनों का रंग एकदम सेम सेम हो गया है। और ये देखिए बीच में पहाड़ है, इसीलिए ये गांव बचा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे देखिएगा तो देखिए उस गांव में भी पानी घुस गया, पानी आ गया। पहले तो और ज़्यादा पानी घुसा हुआ था। आप क्या उलग रहे हैं जी? मेरा घर डूब गया सर। कहाँ, कौन कौन घरवा है वो? मंदिर नहीं है। अच्छा, वो जो मंदिरवा है, अच्छा वो उसी तो मंदिरवा में क्या करते हैं आप? पुजारी थे हम ही। अच्छा, आप ही पुजारी थे उसमें, तो डूब गया तो क्या कर रहे हैं यहाँ से? क्या करें, यहाँ से खाली देखते हैं। अजय से भजन कीर्तन कर देते हैं, अजय से मंत्र मारते रहते हैं, पहाड़े पर से सब काम, अजय से पूजा पाठ हो जाता आपका है? हाँ। तो घर में तो आदमी आपका पुजारी उजारी और न होगा? हो अभी सबको खाली करवा दिए, उधर बैठा ले। अच्छा, ये बैठा ले, वहाँ भी तीनों उछड़ा आप ही गए, तो बड़ा दिक्कत हो रहा होगा आपको। सरकार वरकार कुछ लाभ, कुछ वो लाभ नहीं दे रहा है? लाभ नहीं दे रहा है। ये मुरी दाल मटर मटे लोग तो लाया कि नहीं? कोई कहाँ को आया है? अपने पैसा खा पी रहे, वही चंदा वाला पैसा। अच्छा, वही चंदा वाला पैसा खा रहे ना, चंदा भी हो जाता होगा ढेर घड़े ना। वही बिजनेस बंद हो गया है। अच्छा, ये पानी कहाँ तक में समटाएगा? ये पानी अभी और आएगा। अच्छा, अभी और आएगा। आप कौन जी, भगवान है? भगवान क्या बोल रहे? चोर, ये घोड़ा किस काफी का घोड़ा है? घोड़ा अपने बाबा का है। घोड़ा भी यहाँ से